प्रतिज्ञा दोहराएंगे मेरे साथ, सभी लंबा गहरा श्वास। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट JRF क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढके और आएंगे वापस। सभी को नमस्कार। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएंगे हमारे कितने पटल हो चुके हैं? तीन हो चुके हैं मैम। तीन पटल हो चुके हैं। और कौन कौन उनके पटलों के पटल्स के नेम क्या थे? लय प्रकरण, तत्व ज्ञान प्रकरण और प्राण प्रकरण। प्राण प्रकरण। और आज हम कौन सा पटल पढ़ने वाले? मुद्रा प्रकरण। मुद्रा प्रकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। मुद्राओं के बारे में हम पढ़ेंगे। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। तो आज हम मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने तृतीय पटल पढ़ा था, जिसमें हमने योग की चार अवस्थाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी चार अवस्थाएं पढ़ी थी? आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति, ये चार अवस्थाएं हैं। आसन, आसन कितने प्रकार के पढ़े थे? अभी माइक को चार आसन पढ़े। कौन कौन से चार आसन पढ़े थे हमने? सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन। उग्रासन किस तरीके का आसन है? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तान को यहाँ पर उग्रासन बोला गया। पंच धारणाएं कौन कौन से स्थान पर थी? मूलाधार, लिंग स्थान, फिर नाभि, फिर हृदय और भ्रूमध्य। भ्रूमध्य, ये पांच स्थान आपके पंच धारणों के। आज हम योनि चतुर्पंडल पटल मुद्रा प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चतुर्पटल मुद्रा प्रकरण है। टोटल इसमें हमारी 10+1 मुद्राओं के बारे में बताया गया। 10 मुद्राओं का वर्णन तो हमें सभी जगह मिलता है, मगर इसमें एक और मुद्रा दी गई है, +1 एक मुद्रा और दी गई है, वह है योनि मुद्रा। इसका नाम दिया गया है। और हमारे हट प्रदीपिका में कितनी मुद्राएं हैं? 10 है। और घरेलू संहिता में 25 मुद्राएं वहां पर वर्णन है। और यहाँ पर आपका 10+1 मुद्राओं का वर्णन है। 10 तो एक साथ मुद्रा दी गई है और प्लस एक मुद्रा और दी गई है, उसका नाम है योनि मुद्रा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो
मैम अगर क्वेश्चन आता है कि शिव संहिता के हिसाब से कितनी मुद्राएं हैं, और 10 और 11 दोनों ऑप्शन होंगे, देन व्हाट वी डू? ये इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, नाड़ियों के साथ आया था, तो फिर वो एनटीए वालों ने उसमें उन्होंने 14, एक में 15 लिखा था और एक में 14 लिखा था, तो उन्होंने क्या किया उस क्वेश्चन को मतलब कि सबके लिए मान्य कर दिया और उसके दो नंबर दे दिए। इस तरीके से अगर कोई मिस्टेक आती है तो वो एनटीए द्वारा सही कर दी जाती है और फिर उसके बाद आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, अगर उनके द्वारा गलती आ, अगर 10+1 आएगा तो उसमें आप 10+1 में मार्क करेंगे और 10 आएगा तो 10 में ही करेंगे, ठीक है। मैम इससे +1 क्यों है, मतलब टोटली क्यों नहीं कर दिया, जैसे 11 या 15 क्यों नहीं कर दिया, अलग से क्यों रखा है? श्लोक है, आप देखोगे ना श्लोक में 10 मुद्राओं का ही वर्णन है, दशम शक्ति चालनम, 10 मुद्राएं दी दी ये गई है, तो इनको 10 तो अलग ही हम करेंगे ना, उसके साथ तो ऐड नहीं कर सकते ना 11, और योनि मुद्रा का वर्णन अलग से उन्होंने दिया हुआ है 2 से लेकर 8 श्लोक में, तो उनको एक साथ कैसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, 10+1 ही करेंगे ना, वो अलग से है, एक अगर श्लोक में दिया हुआ था 11 तो हम 11 करते हैं, अगर श्लोक में 10 दिया है तो हमें 10 करना पड़ेगा। तो शिव यहाँ पर बता रहे हैं अर्थात प्रवेश्यामी मुद्रिका योग तमम यह सभ्यासे मात्रेण सर्व व्याधि प्रमुच्यते। अब मैं इस उत्कृष्ट मुद्रिका योग को सम्यक प्रकार से बताता हूँ जिसके अभ्यास मात्र से सभी व्याधियों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पे मुक्ति प्रदान होती है खाली मुद्रा के अभ्यास से ही, यहाँ पर हो जाती है, अगर हम उसका अभ्यास आरंभ करते हैं तो हमारी सभी व्याधियां जितने भी हमारे शारीरिक कष्ट होते हैं वह दूर हो जाते हैं, यहाँ पर बताया गया, तो इसको ध्यान में रख लेंगे, सभी व्याधियों की व्याधियां से मुक्ति होती है। फिर योनि मुद्रा के बारे में बताया गया है, विधि, इसकी विधि क्या है, आपका जो गुदा है मेड लिंग के बीच में जो योनि स्थान को आकुंचित कर पूरक करते हुए मूलाधार में मन को लगाए, मूलाधार आपका जो सबसे पहला चक्र होता है उसी को मूलाधार बोला जाता है, वहां पर मन को लगाए और उसके अंदर स्थित जो कामपीठ है उसके अंदर कामपीठ बताया गया है मूलाधार के अंदर, और उसका ध्यान करके उसके ऊपर विद्यमान, किसके, कामपीठ के ऊपर, उसके ऊपर विद्यमान ज्ञानमयी ज्योति का आत्मा के साथ ध्यान करें, आत्मा के साथ ध्यान करने के लिए यहाँ पर बताया गया है, और कामपीठ के लिए बताया गया ये करोड़ों सूर्य के समान है कामपीठ जो है, और करोड़ों चंद्रमाओं के समान भी यहाँ पर कामपीठ को बताया गया है, ठीक है, और उसका ध्यान करके ज्योतिर्मय आत्मा के साथ ध्यान करना है। यह परमानंद का सूचक स्वर्गीय स्थान है, स्वर्ग जैसा स्थान यहाँ पर इसको बताया गया है, जहां से अमृत धारा होती रहती है। अमृत धारा के बारे में हमने अभी तक जो हमारा सोममंडल है उसके बारे में ही बोला 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 जाता है कि सोममंडल से अमृत धारा बढ़ती है, मगर इसमें योनि मुद्रा में आपका मूलाधार के स्थान से भी अमृत धारा होती रहती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर योनि मुद्रा में अमृत धारा होती रहती है, यहाँ पर भी बताया गया है शिव संहिता के अनुसार, ठीक है, इतना ओके है। जो हमारा यस मैम, कुंडली का स्थान बताया गया था वही स्थान यहाँ पर योनि मुद्रा का एक स्थान, बार और समझा दीजिए प्लीज इसे। ठीक है, गुदा और मेड के बीच के योनि स्थान को आकुंचित करते हुए, कॉन्स्ट्रक्शन करते हुए, इस तरीके बाद आकुंचित करना, कॉन्स्ट्रक्शन करते हुए पूरक श्वास को लेना है और मूलाधार में मन को लगाएं, बोला है, कहने के लिए कहा है मूलाधार में लगाएं अपने मन को, उसके अंदर स्थित जो कामपीठ है, मूलाधार के अंदर जो कामपीठ स्थित है, कामपीठ में बताइए करोड़ों सूर्य के समान है और चंद्रमाओं के, करोड़ों चंद्रमाओं के समान इसको बताया गया है कामपीठ को, और इसका ध्यान करने से उसके ऊपर विद्यमान जो ज्ञानमयी ज्योति का आत्मा के साथ ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, और ये परमानंद का सूचक स्वर्गीय स्थान है जहां पर अमृत धारा बहती है, तो जैसे हम और टेक्स्ट में देखते हैं तो हमारे अमृत धारा वहां पर भी बताया गया है, वहां पर बिंदु की बात की गई है कि बिंदु वहां पर 2 प्रकार के हैं, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, तो वहां पे बिंदु लोहित और पांड्र, इस तरीके के 2 बिंदु बताए गए हैं वहां पर भी,
अमृत का जो स्थान है, ठीक है, श्वेत और लाल यहाँ पर बताया गया है। जो अमृत धारा जो होती है, यहाँ पे दो प्रकार की बताई गई अमृत धारा, दो प्रकार से होती है, एक तो लाल रंग की और एक श्वेत रंग की, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे आप। अमृत धारा दो प्रकार की बताई गई है, श्वेत और लाल। ओके है। मैम, जो ये योनि स्थान है, ये बताया गया है स्वर्गीय स्थान। कामपीठ वाला जो है ना आपका मूलाधार में, जो कामपीठ है, कामपीठ ओके, कामपीठ को बोल रहा के ऊपर विद्यमान जो ज्योतिमय आत्मा के साथ, वही है कामपीठ के, मतलब मूलाधार के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में बताया गया। ओके। ओके है। आगे चले। यस फिर है योनि मुद्रा का फल। जो आपने योनि मुद्रा करी है उसका फल संसार में सब प्राप्त कर सकता है। योनि मुद्रा के अभ्यास से महापाप के फल का भी भागी नहीं बनता है। जो योनि मुद्रा को करता है वह महापाप का भागी भी नहीं बनता है। योनि मुद्रा के अभ्यास से शुभ और अशुभ मंत्रों का उच्चारण करता है। मतलब जब योनि मुद्रा के आप अभ्यास कर रहे हैं, चाहे आप शुभ या अशुभ मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे हैं, वह उसी प्रकार से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। चाहे वह अशुभ या शुभ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर भी उसका लाभ वह पा लेता है, उसकी सिद्धि वह प्राप्त कर लेता है। अभ्यास से ही मोक्ष, मतलब कि केवल अभ्यास करने से ही, ये नहीं कि उससे सिद्धि हो जाए, योनि मुद्रा में सिद्धि हो जाए तभी फल प्राप्त होगा, नहीं। इसमें लिखा है अभ्यास से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, योग की प्राप्ति होगी, मुद्राओं की सिद्धि, प्राणायाम की सिद्धि, मुद्राओं की सिद्धि भी हो जाएगी साथ के साथ, जो भी हमारी मुद्राएं हैं, प्राणायाम की सिद्धि भी हो जाएगी और मृत्यु पे विजय भी प्राप्त कर सकता है योनि मुद्रा के अभ्यास से। यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। एक बार रिपीट और कर देते हैं। संसार में सब प्राप्त कर सकता है, महापाप के फल का भागी नहीं बनता है। योनि मुद्रा के अभ्यास से शुभ और अशुभ मंत्रों का जो उच्चारण करता है वह भी उसमें भी उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, चाहे वो शुभ मंत्र हो चाहे अशुभ मंत्र हो। और अभ्यास से ही मोक्ष, ज्ञान, योग, मुद्राओं की सिद्धि, प्राणायाम की सिद्धि और मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकता है। अभ्यास का वर्णन और कहाँ कहाँ पर आता है हमारा? मैम, अभ्यास दर्शन योग दर्शन में क्या बोला गया? योग दर्शन में वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तन्निरोधः, हाँ। तो वहां पे भी अभ्यास की महत्ता को बताया गया है, अभ्यास और वैराग्य करना चाहिए। यहाँ पर भी योनि मुद्रा में बताया गया कि अभ्यास से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब योनि मुद्रा की अनुशंसा, उसके बारे में और क्या क्या बताया गया है कि उससे और क्या क्या हो सकता है, मतलब कि उसकी प्रशंसा के उसमें वर्ड में यूज हो सकता है कि योनि मुद्रा से हजारों ब्रह्म हत्याओं का अपराधी हो, ब्रह्म हत्या किसी को हो जाता है तो उसका अपराधी भी हो, यहाँ तक तीनों लोक के प्राणियों की हत्या कर दे, वह भी योनि मुद्रा के अभ्यास बल से पाप कर्मों का फल का भागी नहीं हो सकता है। मतलब कि वह ब्रह्म हत्याओं का अधिकारी हो या प्राणियों की हत्या भी कर दे, तीनों लोक के प्राणियों की हत्या भी कर दे, मगर वह योनि मुद्रा का अभ्यास करता है तो उसको पाप कर्म नहीं लगता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और गुरु की हत्या, मदिरा पान, चोरी, काम में लिप्त, वह गुरु की शैया में भोग, ऐसे अनेक पापों से युक्त होने पर भी वह साधक योनि मुद्रा के अभ्यास से उक्त फलों के फल का भागी नहीं होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मगर एक बार रीडिंग लगा लेंगे हम इसकी, ठीक है। तो इन इन चीजों के आप कर लेंगे फिर भी आपका इसमें आपको पाप कर्म नहीं लगता है, इतना बताया गया। ये स्लाइड ओके है। मैम, ये शुभ अशुभ मंत्र से मतलब जो हमने जो रामायण वगैरह देखा है तो उसमें जो राक्षस लोग जो पूजा करते थे वो भी
मतलब भगवान की करते थे, लेकिन वो कुछ गलत सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो मंत्र का उच्चारण करते थे, तो इसका मतलब वही है क्या? इसमें लिखा है वह शुभ या अशुभ मंत्रों जिसका भी उच्चारण करेगा वह उसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अगर वह अशुभ मंत्र का उच्चारण करेगा तो अशुभ सिद्धि, और शुभ मंत्रों का उच्चारण करेगा तो शुभ मंत्र की। अशुभ मंत्र जल्दी काम करता है, शुभ मंत्र थोड़ा देर से काम करता है। देर से नेगेटिव जैसे नेगेटिव चीज किसी के ऊपर डाल दे तो तुरंत उसको कुछ हो जाएगा, लेकिन तू गिर जाएगा, तो ये मंत्र बोल दिए तो तू जल्दी गिर जाएगा। अच्छा, मतलब ये नेगेटिव उसके लिए बोला गया है शुभ और अशुभ। जैसे बोलते हैं एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारा, तो वो ये एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसा लग जाता है, और बोलेगा जल्दी तुम पास हो जाएगा इस बार तुम्हारा, तो जल्दी पास हो जाएगा, जीआरएफ निकल जाएगा तो जीआरएफ निकल जाएगा, ये शुभ हो गया। ओके ओके ठीक है। यस मैम। चलिए अब हम अपनी 10 मुद्राओं के बारे में पढ़ते हैं। 10 मुद्राओं। महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च, खेचरी, जालंधरो, मूलबंधो, विपरीत, उड्यान च, विज्रोली, दशम, शक्ति चालनम, इंद्र इंद्र ही, इदम ही, मुद्रा दशकम, मुद्रणाम, उत्तरे उत्तमम। ठीक है, तो महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, मूलबंध, विपरीत कृति, विपरीत करनी मतलब उड्यान बंध, वज्रौली, शक्ति चालन, ये 10 मुद्राएं समस्त श्रेष्ठ मुद्राओं में से भी श्रेष्ठतम है। ये जितनी भी मुद्राएं हैं उनमें से इनको श्रेष्ठतम बताया गया, इन 10 मुद्राओं को। ठीक है, आपके श्लोक संख्या 23 और 24 में। अब मुझे बताएंगे जो हठ प्रदीपिका में है, हठ प्रदीपिका में इनका क्या सीक्वेंस है? सीक्वेंस यही है या अलग है? यही है मैम, शायद यही नहीं है, 10 है पर वो आगे पीछे थोड़ा सा दिया है उसका, आगे पीछे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। कब शिव संहिता के अनुसार हाँ। आपका सीक्वेंस क्या है, आपका हट प्रदीपिका के अनुसार सीक्वेंस क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं ना। आपके आ सकता है कि सीक्वेंस में लगाओ, शिव संहिता के अनुसार सीक्वेंस में लगाओ या हट प्रदीपिका के अनुसार सीक्वेंस में लगाओ, तो इसके लिए आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना, खेचरी तक सेम है, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, खेचरी तक सेम है। फिर आपका जो हट प्रतीकी में उड्यान बंध पहले आ जाएगा, उड्यान, मूल, जलंधर, इसमें क्या है, जलंधर है, मूल बंध है, फिर विपरीत करनी है, फिर उड्यान बंध दिया गया है, तो इसका ध्यान रखेंगे। वहां पर तीनों उड्यान, मूल, जलंधर बंध सान दिए, फिर विपरीत करनी, वज्रौली और शक्ति चालन दिया गया है। यहाँ पर आपका पहले जालंधर, मूल बंध, विपरीत करनी और फिर उड्यान बंध दिया गया है, तो इसका ध्यान रखेंगे। दोनों के सीक्वेंस को मिलाकर और अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये 10 प्रकार की आपकी मुद्रा है, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, मूलबंध, विपरीत करनी, उड्यान, वज्रौली तथा शक्ति चालनी मुद्रा। अब मुझे बताएंगे महामुद्रा, महामुद्रा का किस तरीके से होती है महामुद्रा, बताएं कोई, बताए किसी को? तीनों एक ही जैसा होता है, महाबंध तीनों बंध को लगाएंगे, मूल, उद्यान और जलंधर को, तो महाबंध है, महाबंध हो जाता है, महामुद्रा। मैम एक बार हम ट्राई करके देख सकते हैं, इसमें जैसे हम जानों से शासन लगाते हैं वैसे पैर को, पैर की स्थिति होती है, और हाथ को पैर अंगूठे, पैर के अंगूठे में पकड़ना होता है, और फिर उसके बाद मतलब मुद्रा लगाते हैं, शायद ऐसा कुछ था हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप सही जा रहे हैं, सही है। चलिए देख लेते, समझ नहीं, महामुद्रा, महामुद्रा एक बार फिर से बताइए। बता रहे हैं आगे। आपका महामुद्रा आपके 25 श्लोक में दिया गया है, इसका वर्णन, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको बैठना है, पैर फैला के बाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान से दबाकर, जो आपका बायां पैर है
उसको योनि स्थान से लगाना है। फिर फैले हुए दाहिने पैर को दोनों हाथों से पकड़कर अपने फैले हुए दाहिने पैर को दोनों हाथों से पकड़कर शरीरस्थ नव द्वार को बंद कर दिए। नव द्वार कौन से होते हैं हमारे, बताएं कोई, या किसी को पता? नाक के छिद्रे, ऐसे करके सारे छिद्रों को गिन के नौ द्वार होते हैं शायद। कौन कौन से हैं? एग्जैक्टली इसे हमें एग्जैक्टली याद नहीं है। ईयर और हमारा जो माउथ का है और जननेन्द्रियां शायद। जननेन्द्रियां भी है, चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपके आ जाएगा एक मुख होता है, आप लिख भी सकते हैं, एक मुख है, दो आंख हो गए, दो कान हो गए, दो नासिका हो गए, दो नासिका के छिद्र हो गए, एक आपका पायु हो गया मतलब कि आपका एनस वाला भाग, और एक होगा आपका उपस्थ, एक उपस्थ हो गया जो हो गया आपका जनार्टल ऑर्गन, ठीक है, जननेन्द्रियां, हाँ वही हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये नौ द्वार है, शरीर के नौ द्वार बंद करके, ठीक है। फिर आपका ऊपर से बोले तो क्या मैम, चोटी मैम ऊपर से बोले तो समझ में नहीं आया। दो दो आंखें, दो कान, दो नाके, छह हो गए, मुख सात, और मूल मल द्वार जो है उसको एक आठ, हाँ। और मल और मूत्र के द्वार हो गए, हाँ वो एक नौ हो गए, ठीक है। मैम इसको जानु नमन भी बोलते हैं ना, जानु सिरासन इसको भी बोलते हैं। अभी तो आसन की बात नहीं हो रही है, जानु शीर्ष आसन तो पूरा बैंड होते हैं ना मैम, जानु शीर्ष आसन में पश्चिमोत्तान आसन बैंड नहीं होना है। यस मैम, इसमें बैंड नहीं होना है, बस नेक को डाउन करते हैं इसमें और अंगूठे को पकड़ते हैं। मैम ऊपर से बोले तो यूरिनरी का बोलते क्या? यहाँ चोटी का स्थान होता है, यहाँ इसे भी गिनते हैं इसमें मूल द्वार, इसमें सॉरी इसमें नौ द्वार की बारी, वो ब्रह्म रंध होता है, यहाँ पर जो रंध होता है उसको बोला जाता है, वो दस द्वार हो जाएगा और एक मन हो जाएगा आपका इंद्रिय, ठीक है। जब ग्यारह की बात होगी तब में आएगा वो, ठीक है। फिर यहाँ पे शरीरस्थ नव द्वार को बंद करके, जो भी हमारे नौ द्वार है शरीर के उनको बंद करना है, आंखों को बंद करना है, कान को बंद करने के लिए कहा गया है, और सभी नौ द्वारों को बंद करके हृदय के ऊपर ठोटी को लगाना है, मतलब कि आपका जो जालंधर बंद की स्थिति है उसको लगाने के लिए यहाँ पर बोला गया है। फिर सुषुम्ना में चित्त को स्थिर कर प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए बोला गया है। सुषुम्ना में चित्त को स्थिर करके प्राणायाम का अभ्यास करें, पहले बाई ओर से पुनः फिर दाई ओर से करें एवं प्राणायाम की संख्या को सम करें। प्राणायाम की या जो आपकी, जैसे आपने पहले बाएं पैर से किया वैसे ही फिर आप दाएं पैर से करेंगे, और जितनी बार आपने बाएं पैर से कर रहा है उतनी ही बार आपको दाएं पैर से करने को कहा गया है, इसी को सम संख्या में करने के लिए कहा गया है। प्राणायाम की संख्या को सम रखें और जो आप महामुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं इसको भी सम रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। अब इसके लाभ देख लेते हैं। सर्व नाड़ी संचालन, जितनी भी हमारे शरीर में नाड़ियां, कितनी नाड़ियां बताई गई हैं इसमें? साढ़े तीन लाख नाड़ियां बताई गई हैं। तो सर्व नाड़ियों का संचालन यहाँ पर बताया गया है, बिंदु का धारण होता है यहाँ पर बताया गया है, कषाय मल दग्ध हो जाते हैं, जितने भी हमारे शरीर के कषाय होते हैं, हमारे शारीरिक या मानसिक कषायों की यहाँ पर बात की गई है, जितने भी हमारे कषाय होते हैं मल होता है हमारे मानसिक, वह दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, पापों का नाश होता है। कुंडली तापन, कुंडली का जागरण होता है यहाँ पर, तापन मतलब कि कुंडली मतलब कि ऊपर जाने के लिए सुषुम्ना में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वायु का ब्रह्म रंध्र में प्रवेश हो जाता है और सर्व रोग का नाश होता है। जठराग्नि विवर्धनम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, क्रांति सुंदर हो जाती है, जरा और मृत्यु का नाश होता है, जरा हो गया आपका बुढ़ापे का और मृत्यु का नाश होता है। वांछित फल, जो भी आपकी इच्छा हो वह उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इंद्रियों का निग्रह होता है और कामधेनु, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है काम दूधा,
ठीक है, ये काम दूधा की तरह है, जो कामधेनु जो गाय होती है उससे जिस भी चीज को हम कहते हैं वह हमें प्राप्त हो जाती है, तो इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, जो भी चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हमें प्राप्त हो जाती है, इसलिए यहाँ पर एक काम दूधा वर्ड यूज हुआ है। ये भी हमारे एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी मुद्रा में काम दूधा यूज वर्ड हुआ है, तो इसको आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें से किसी को मैम कुछ पूछ सकते, मैम प्राणायाम बोले तो आलोम विलोम, क्या आलोम विलोम करना है? एक नाक पहले से श्वास लेना, एक नाक से छोड़ना। जलंधर आपने पूरा किया तो फिर जलंधर बंद लगाया तो आपका कुंभक हो जाएगा, कुंभक लगाया फिर उसके ओके बाद ओके आप ऊपर आएंगे तो वो प्राणायाम हो जाएगा ना आपका, कुंभक ओके जितनी ओके देर भी आपने लगाया। ओके ठीक है। ठीक है, ओके है, आलोम विलोम बोले तो एक नाक से लेते हैं एक नाक से छोड़ते हैं ना, वही आलोम विलोम का मैं समझी प्राणायाम का। कुंभक लगा के करना है ना आलोम विलोम प्राणायाम? कुंभक कैसे लगेगा इसमें, एक मिनट रुको। दोनों नाक बंद करे तो अंतर कुंभक हो जाएगा ना। अंतर कुंभक हो जाए कुंभक मैम लगा के इसमें, प्राणायाम करना है मतलब क्या? बहुत मैम इसमें जो नवद्वार बंद करने के लिए कहा गया है तो उसमें आँख को भी बंद करने के लिए कहा गया है, और कान को भी, सबको जो जो नवद्वार आपने बताए हैं, पर जो जिस पोजीशन पर हम इस आसन पर, आसन नहीं मुद्रा पर रहेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? प्रैक्टिस से होगा, कोशिश करेंगे हो ये सकता लिखा हुआ है, मतलब, ऐसे शिशुनों ही को प्रैक्टिस करना प्राणायाम पड़ेगा। अभ्यास करना चाहिए, यही तंत्रों में बताई गई रहस्यमय मुद्रा होती है, और संयत चित्त होकर योगी को प्रथम बाई ओर से फिर पुनः दाई ओर से प्राणायाम की संख्या को सम करके इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। मैम प्राणायाम भस्त्रिका भी करते हैं ना, इसलिए मैं पूछ रही थी कि नहीं प्राणायाम नहीं बोले तो आलोम भस्त्रिका विलोम खाली नहीं करना है इसमें, आलोम विलोम अपना आलोम विलोम प्राणायाम करना है। ओके हाँ इसमें बोला है ना बाई ओर से फिर पुनः दाई ओर से करने के लिए बोला गया इसमें। प्राणायाम की संख्या को भी सम रखना है आपने, ओके मैम थैंक यू, आलू मिलो में हो जाएगा। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर आपका आ जाता है महाबंध, तो सबसे पहले हमने महामुद्रा में जैसे आपकी जो ये वाला एक पैर आपका खुला हुआ था और एक पैर बंद था, तो इसमें बोला गया है तत्पश्चात महामुद्रा के अभ्यास के बाद फैले हुए पांव को दूसरे पांव की जगह पर रखना चाहिए, तो आपकी जैसे पद्मासन की स्थिति होती है वो वाली स्थिति आ जाएगी। फिर गुदा योनि को संकुचित कर पान वायु को ऊपर की ओर ले और फिर समान वायु के साथ संयुक्त करें, गुदा योनि से संकुचित करके अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाने के लिए बोला है, फिर समान वायु के साथ संयुक्त करें, प्राण को अधोमुखी बनाएं, मतलब नीचे को, प्राण कहाँ पर होता है हमारे बताएं, प्राण वायु कहाँ पर होती है, हृदय चक्र हृदय में, क्षेत्र के पास, हृदय हृदय क्षेत्र में, चक्र अपान वायु कहाँ होती है, गुदा क्षेत्र के पास, मतलब नाभि के नीचे। नाभि से नीचे, नीचे जो क्षेत्र होता है पेल्विक रीजन में हमारे अपान वायु होती है, तो इसमें बोल रहे हैं गुदा योनि को संकुचित करके जो हमारी अपान वायु होती है अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाना है, और जो हमारी समान वायु है, समान वायु कहाँ पर होती है, नाभि के पास तो नाभि के पास, यहाँ पर ऊपर से हमारी प्राण वायु आई है और नीचे से हमारी अपान वायु गई है, तो बीच में हमारी कौन सी वायु होगी, समान वायु, तो समान वायु को संयुक्त करना है और प्राण को अधोमुखी बनाना है, जो हमारी प्राण वायु है उसको अधोमुखी नीचे की ओर ले जाना है, प्राण अपान की गति को सुषुम्ना में ऊपर की ओर ले जाने के लिए बंद लगाएं, मतलब कि जब हमारा प्राण और अपान लगता है तो हमारे जो समान से जो हमारी गर्मी उत्पन्न होती है, समान वायु में क्या होती है फिर हमारी गर्मी उत्पन्न होती है, उससे जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे हमारी कुंडली का जागरण होता है, ठीक है, तो हमारी जो कुंडली है वह सुषुम्ना की ओर जाती है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, प्राण अपान की गति को सुषुम्ना के ऊपर की ओर ले जाने के लिए बंद लगाएं,
दोनों पांव से एक एक करके यत्न पूर्वक सिद्ध करें, पहले दाएं पांव से करें और फिर बाएं पांव से करें, ठीक है। टेक्निक में कोई किसी को दिक्कत? ओके है, क्या कह रहे हैं? लगाया है तो फिर ऐसे कैसे कि दोनों पांव से एक एक करके यत्न पूर्वक, मतलब कि एक बार आपका बायो, जैसे एक पाव ये ऊपर है, नेक्स्ट टाइम में दूसरे वाले पाव को करने के लिए बोला है, दोनों पाव से एक एक करके यत्न पूर्वक सिद्ध करें, पहले बाएं पाव को ऊपर रखेंगे फिर दाएं पाव को, इस तरीके से हो सकता है। आ गया समझ में जी? अब इसके फल देख लेते हैं। फल सिद्धि प्रदान करने वाला है, योगियों के नाड़ी समूह में विविध रस प्रभावित होकर मूर्धा की ओर जाते हैं, वायु सुषुम्ना के मध्य में जाकर स्थिर हो जाती है। योगी के नाड़ी समूह से विविध रस प्रभावित होकर मूर्धा की ओर चले जाते हैं, मतलब कि योगी हमारे यहाँ पे सोम मंडल है, वहां से जो हमारा अमृत जो स्थान है वह मूर्धा की ओर जाता है, नीचे की ओर नहीं आता है। वैसे उसका जो श्रावित होता है वो कहाँ की ओर होता है? नीचे की ओर होता है, मगर जब हम इस बंध को लगा देंगे तो वो श्राव क्या हो जाएगा? नीचे की ओर नहीं जाएगा, जो उसका विविध रस जो प्रभावी होता है वो मूर्धा की ओर जाने लग जाएंगे, ठीक है। वायु सुषुम्ना के मध्य में जाकर स्थिर हो जाती है, मतलब कि जब हम इस तरह बंध लगाएंगे और हमारी समान वायु जागृत हो जाएगी तो फिर जो जो वायु है वो सुषुम्ना में, सुषुम्ना की ओर प्रवेश कर जाएगी। वायु सुषुम्ना के मध्य में जाकर स्थिर हो जाती है, शरीर पुष्ट होता है, एम अस्थि और पंजर हमारे सुदृढ़ हो जाते हैं, जितने भी हमारे शरीर में अस्थियां हैं वह सुदृढ़ हो जाती हैं, मजबूत हो जाती है। इस साधना से योगी पूर्णतः संतुष्ट रहता है, जो भी महाबंध का अभ्यास करता है। बंध द्वारा अपान एवं प्राण को एक कर योगी सभी अभिष्ट सिद्धियों को एक हो जाता है, तो उसको सभी प्रकार के अभिष्ट सिद्धि प्राप्त वह कर लेते, ठीक है। तो वहां क्लियर है? मैम ये मुद्रा है, लेकिन जैसे कि हम तीनों बंध इसमें लगाते हैं तो इसको मुद्रा क्यों कहते हैं मैम? क्योंकि है तो वैसे ही बंध। जलंधर वो अलग अलग फिर बंध आ जाएंगे, इसमें बंध नहीं है ना, वो अलग है, इसको महाबंध बोला जाता है ना, मुद्रा में आता है, सेकंड मुद्रा है। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी अभी तो मैं सुन नहीं पाई। मैं कह रही हूँ महाबंध है इसमें आपका, ये महाबंध में आता है, इसका नाम महाबंध है। और जो हमारे तीन बंध है वह अलग बंध होते हैं। हाँ लेकिन तीनों बंध को मिलाकर महाबंध बनता है ना, तो ये वो नहीं है ना, मतलब मुद्रा, क्योंकि वैसी प्रोसेस नहीं, नहीं ये दूसरा वाला, ये महाबंध दूसरा है। इसमें भी वैसे तीनों बंध लगाए जा रहे हैं, इसमें भी आपका उड्यान है, जलंधर है। हाँ बंध, वो जो आपका आ जाता है उसमें मुद्रा में यूज नहीं होता, और यहाँ पे ये महाबंध जो है वो तीनों बंध एक साथ लगाए जाते हैं तो वो महाबंध की श्रेणी में आते हैं, मगर ये इसमें मुद्रा भी ऐड होगा, महाबंध मुद्रा बोला जाएगा इसे, और इसमें महाबंध बोला जाएगा। इसका मुद्रा कौन सा ऐड होता है मैम? क्या कह रहे हैं? मुद्रा कौन सा ऐड होता है इसमें? हाँ मुद्रा वर्ड यूज होगा ना इसमें, महाबंध मुद्रा में आ जाएगा, और जो वो वाली टेक्निक है वो आजकल है, जो पहले चलती थी वो महाबंध मुद्रा में आ जाएगा, और जितने टेक्स्ट दिए हैं उसमें महाबंध का कहीं भी हमें जी वो नहीं मिलता, उल्लेख नहीं मिलता है, महाबंध मुद्रा मिलती है, महाबंध का उल्लेख तो हमें ऐसा नहीं मिला है। शिव संहिता के अनुसार त्रिबंध को ही महाबंध बोला जाता है, ऐसे हट प्रदीपिका में भी बोला है त्रिबंध को ही महाबंध बोला। हाँ त्रिबंध को महाबंध बोलते हैं ये ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि ये महाबंध को मुद्रा क्यों कह रहे हैं?
महाबंध को मुद्रा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ मुद्रा 10 मुद्राओं का वर्णन है, उसमें जो पहली मुद्रा महामुद्रा है, सेकंड आपकी महाबंधो दूसरी मुद्रा है, और जो आपके बंध हैं उसमें आपका जालंधर बंध, मूल बंध और उड्यान बंध अलग दिया गया है। ठीक है, जैसे मेरे अनुसार से मैं समझता हूँ, किसी का नाम रहता है कि सीताराम, लड़का का नाम है तो दो नाम हो गया, सीता और राम, पर वो तो नाम तो लड़का का है। वैसे इसमें हम समझ रहे हैं कि मुद्रा बोला है, तो मुद्रा ऐसा महाबंध मुद्रा, तो महाबंध भी है मुद्रा भी है। आपका कहने का मतलब कि इसको महाबंध क्यों नहीं कहा गया, मुद्रा क्यों कह रहे हैं सर, यही कहना चाह रही हैं? यस मैम, तो ये आपका महाबंध मुद्रा में है, जो हमारी जो मुद्राएं हैं, जितनी भी आपकी मुद्राएं हैं उसमें सभी में उड्यान बंध, जलंधर बंध और मूल बंध तो आते ही आता है, वो भी तो मुद्राओं के अंदर ही ऐड होती है ना। यस मैम, तो यहाँ पे ये महाबंध मुद्रा बोला गया है इसको, ठीक है। और तीन जो अलग बंध है वो बंध भी दिए गए हैं, जब हम तीनों का एक साथ लगा देंगे तो वो महाबंध हो जाएंगे। यहाँ पे भी तीनों बंध लगे हैं आपके, जलंधर बंध भी लगा हुआ है, और प्राण, जब हम जलंधर बंध लगाएंगे तभी तो हमारा प्राण नीचे की ओर आएगा, यहाँ पर अपान की वायु को ऊपर करेंगे तो वहां पे आपका मूल बंध लग जाएगा, और नीचे ये बीच में इन्होंने समान वायु जब एक्टिवेट करेंगे तो उड्यान बंध लग जाएगा ना। यस तीनों मैम, बंध लगाए, मगर इसमें ये नहीं कहा गया कि ये मूल बंध लगा है, यहाँ पर उड्यान बंध नाम नहीं बताए गए कि आपको यहाँ पे जलंधर बंध लगाना है। यहाँ पे लिखा है गुदा को, योनि को संकुचित करें, अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाएं। यहाँ पे ये नहीं बोला कि नहीं, यहाँ पर अपान आप कौन सा मूल बंध लगाए, ये नहीं बोला गया ना। टेक्निक दूसरी बताई गई है यहाँ पर, ओके मैम, उन्हीं ठीक वर्डों को दूसरा बताया गया है। है मैम। नेक्स्ट है आपकी महावेद उसमें मुद्रा। मैम पद्मासन में दिया हुआ है पद्मासन, या फिर किसी भी आसन में बैठे कर सकते हैं? पद्मासन की स्थिति बन जाती है आपकी, इसमें बोला गया है महामुद्रा में जब आप अभ्यास कर रहे हैं आप एक पांव से कर रहे हैं दूसरे पैर को भी रख देंगे। इसमें ये नहीं बोला कि आपने पद्मासन लगाना है, इसमें बोला है जब आप महामुद्रा, क्योंकि जो मुद्राओं का अभ्यास करते हैं सबसे पहले जब आपकी महामुद्रा का अभ्यास पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, तो महाबंध मुद्रा के स्टेज में जाएंगे, तो पहले आपने महामुद्रा का अभ्यास किया तो उसके बाद फिर आपने जानु शीर्षासन की स्थिति में गए थे। तो यहाँ पे बोला है जब आपका एक पैर, जब ये बैंड था ना, तो इस दूसरे पैर को भी आपने ऊपर की स्थिति में लगाना है। पद्मासन नहीं बोला गया कि आपको कोई भी आसन के लिए यहाँ पे नाम यूज नहीं किया गया, यहाँ पे महामुद्रा बताया गया है, महामुद्रा लगानी है। उसके बाद महामुद्रा लगाई है तो उसमें जो पैर आपका, एक पैर तो जैसे आपका थाइस के ऊपर है तो दूसरा पैर को भी थाइस के ऊपर ले लेना है, ऐसा बताया गया। पद्मासन नहीं बोला गया यहाँ पर, क्योंकि जी थैंक यू। ये सीक्वेंस में चल रही है ना। नेक्स्ट है आपकी महावेद। तो अभी जैसे हमने पढ़ लिया महामुद्रा के बारे में पढ़ लिया, महाबंध के बारे में पढ़ लिया, महावेद तो इसमें महाबंध की स्थिति में, अब पहले महामुद्रा की स्थिति बोला था, अब इन्होंने महावेद की स्थिति में महाबंध बोला है। महाबंध में स्थित बुद्धिमान योगी वायु से उदर को भरकर दोनों नितंबों को, जो आपके हिप्स हैं, नितंब मतलब आपके हिप्स को बार बार भूमि पर पटके, अब दोनों हाथ साइड में रखते हुए, साइड में रखने की बात भी नहीं की इन्होंने, बस ये बोला है कि महाबंध की स्थिति में योगी को वायु से उदर में भरकर दोनों नितंबों को बार बार भूमि पर पटकना है। तो भूमि पे स्थिर जब दोनों हाथ साइड में रहेंगे तभी हम भूमि पर पटक सकते हैं, तो इस तरीके से अपने नितंबों को यहाँ पर पटकने के लिए यहाँ बोला गया है बार बार। यही टेक्निक आपको हठ प्रदीपिका में भी मिलती है और महाबंध की भी आपको हठ प्रदीपिका में मिलती है, तीनों उसी के तरह टेक्निक यहाँ पर भी बताई गई है। इसका फल ये बताया गया, फल योगी महावेद से वायु के द्वारा ग्रंथि का भेदन करके सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करता है। तो हमारे जो टेक्स्ट है उसमें कितनी ग्रंथियां बताई गई हैं बताएं, लर्न है किसी को? कौन तीन है मैम, कौन सी तीन ग्रंथि हैं? ब्रह्मा विष्णु रुद्र। ब्रह्मा विष्णु रुद्र। विष्णु ग्रंथि कहाँ पर होती है? हृदय। ब्रह्मा हृदय। विष्णु
हृदय में होती है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बता देती हूँ, जिसको नहीं पता वो देख लेंगे। हमारे शरीर में तीन ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। जो हमारी ब्रह्म ग्रंथि होती है वो योनि स्थान के यहाँ पर होती है, ब्रह्म ग्रंथि कुंडलिनी शक्ति के यहाँ पर जो होती है। फिर आपकी है विष्णु ग्रंथि, जो हमारा अनाहत चक्र होता है वहां पर विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। और जो सहस्त्रार में जो होता है वो रुद्र ग्रंथि या आज्ञा चक्र के पास जो होता है हमारा रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन ग्रंथि है। यहाँ पर ब्रह्म ग्रंथि की बात की जा रही है, कुंडली स्थान के यहाँ पर जो है वहां की बात की जा रही है। दो फल्य योगी महावेद वायु के द्वारा ग्रंथि का भेदन करके सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करता है। कुंडली का जागरण कहाँ से होता है हमारा? मूलाधार मार्ग, जो कुंडली होती है सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर जाती है, तो सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करता है। यहाँ पे ये बताया गया, सतत अभ्यास से, लगातार अभ्यास करने से जरा और मरण, बुढ़ापा और जो मरण का नाश करने वाली वायु सिद्धि होती है, जरा और मरण का नाश हो जाता है। चक्रों में विद्यमान देवगण वायु के ताड़न से कांपने लगते हैं। यहाँ पर बताया गया है जो भी हमारे चक्र हैं, अभी हम आगे पंचम पटल में पढ़ेंगे कि हमारे जो भी हमारे चक्र हैं उनमें देवता हैं, अलग अलग देवियां हैं और अलग अलग सिद्ध वहां पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया चक्रों में विद्यमान, जो भी हमारे 7 चक्रास होते हैं या 6 चक्र इसमें जो बताए गए हैं, चक्रों में विद्यमान देवगण, जो भी वहां पर देवगण वहां पर बैठे होते हैं, वायु के ताड़न से कांपने लगते हैं, ऐसा वहां पर बताया गया महावेद के अभ्यास से। एवं महामाया कुंडली देवी भी शिव स्थान में लीन हो जाती है। शिव स्थान कौन सा होता है बताएं कोई? आज्ञा चक्र को शिव स्थान या केदार स्थान, हट प्रदीपिका में भी उसको केदार स्थान बोला गया है, तो शिव स्थान हो जाएगा। शिव स्थान को हम आज्ञा चक्र से ले सकते हैं। जो महामाया कुंडली देवी भी है वह शिव स्थान ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाती है। पहला आपका ब्रह्मरंध्र कहाँ से शुरू होता है? आपका नीचे से स्टार्ट होकर आगे तक जो जाएगा, इस यहाँ तक की स्थिति होती है, तो वहां जाके लीन हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। तो माया कुंडली देवी भी शिव स्थान, जो हमारी कुंडली है मतलब कि वह आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है, कुंडली देवी का भी शिव स्थान में लीन हो जाती है। महामुद्रा एवं महाबंध, ये दोनों ही महावेद के बिना निष्फल है। योगी क्रमशः तीनों का अभ्यास करता है, तो इन तीनों का साथ में अभ्यास करने के लिए बोला गया है, महामुद्रा का, महाबंध का और महावेद का। ठीक है, फिर जो योग साधक यत्न पूर्वक इन तीनों मुद्राओं का दिन में 4 बार अभ्यास करता है एवं वह 6 महीने के अंदर ही मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, शिव संहिता के अनुसार जो 3 मुद्राएं हैं उनका अभ्यास दिन में कितनी बार करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो 4 बार उसका अभ्यास करना चाहिए। और कितने मृत्यु कितने दिनों में प्राप्त, मृत्यु पे विजय कितने दिनों में प्राप्त कर लेता है? तो 6 महीने के अंदर, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। सिद्धि को चाहने वाले और योग साधक इन मुद्राओं को गुप्त रखें, अर्थात अनाधिकारी से चर्चा ना करें, अन्यथा इन मुद्राओं की सिद्धि नहीं होती है, निश्चित है। जो भी हमारे टेक्स्ट हैं उनमें मुद्राओं को हमेशा गुप्त रखने की बात की गई है, उसको बोला गया कि हर किसी को इन्हें नहीं बताना है, इनको गुप्त रखना है। और अनाधिकारी जो इनका अभ्यास नहीं कर सकता या इनका मिसयूज जो करेगा उनको इसको इसका ज्ञान नहीं देना है, मुद्राओं का ज्ञान नहीं देने के लिए बोला गया है। महावेद ओके है? यस मैम। फिर नेक्स्ट है आपका खेचरी मुद्रा, इसमें वज्रासन में बैठने के लिए बोला गया है। वज्रासन में बैठकर भूमध्य में दृष्टि लगाकर पलटी हुई जिह्वा को तालु के ऊपर स्थित सुधा कूप में संयोजित करें। जो हमारी जीभ है, जीभ को पलटकर आपने सुधा कूप में ले जाना है, जहां से भी हमारा जो अमृत स्थान है वहां तक ले जाने के लिए ये बात कही गई है। और यहाँ पर आसन देख लेंगे कि वज्रासन में कहा गया, ये क्वेश्चन भी बन सकता है शिव संहिता के अनुसार, खेचरी जो मुद्रा है उसको किस आसन में करने के लिए कहा गया है, तो वज्रासन आ जाएगा।
और फिर इसके लाभ देख लेते हैं। फल सभी सिद्धियों की जन्मदाती, यह मुद्रा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो ये कौन कह रहे हैं? शिव। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, सभी सिद्धियों की जन्मदाती यह मुद्रा मुझे प्राणों से भी प्रिय है। तो आ सकता है क्वेश्चन कि शिव जी को कौन सी मुद्रा प्राणों से भी प्रिय है, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका खेचरी। ठीक है, निरंतर अभ्यास से प्रतिदिन अमृत का पान करना चाहिए, शरीर पुष्ट होता है उससे। मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, इसका कौन बताएगा? मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, मृत्यु मातंग केसरी। ये तो मैम उड़ियान बंद बोला है, उड़ियान बंद के लिए भी बोला गया है। और ये मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, हाथी बहुत बड़ा होता है फिर भी वह सिंह जो होता है उसकी मृत्यु कर देता है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है बार बार हमारे टेक्स्टों में, मृत्यु मातंग केसरी। ठीक है, पवित्र हो या अपवित्र हो, खेचरी मुद्रा को जानने वाला शुद्ध हो जाता है। चाहे वह पवित्र हो या अपवित्र हो, खेचरी मुद्रा को जानता है जो वह शुद्ध हो जाता है, यहाँ पे बताया गया है। आधे क्षण के अभ्यास से पाप रूपी महासागर पार हो जाता है, दिव्य भोगों का उपभोग और श्रेष्ठ कुल में जन्म होता है। आधे क्षण से ही बताया गया, अगर आप आधे क्षण भी इसे कर लेते हैं अभ्यास से पाप रूपी महासागर पार हो जाता है, दिव्य भोगों का उपभोग होता है, जो दिव्य भोग होते हैं उनका आप उपभोग कर सकते हैं, और श्रेष्ठ कुल में, जो भी आपका जन्म होगा नेक्स्ट जन्म में, तो आप श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने की बात यहाँ पर की गई है। ब्रह्मा के 100 जीवन को आधे क्षण के समान समझता है, जो इसको कर लेता है वह ब्रह्मा के जो 100 जीवन 100 वर्ष का जो जीवन है उसको आधे क्षण के समान ये समझता है जो खेचरी मुद्रा कर लेता है। पापों में लिप्त नहीं होता है और परम गति को प्राप्त होता है। यह देव पूज्य मुद्रा प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए, मतलब इसको किसी को नहीं बताना है, प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके से गोपनीय ही रखना है, हर किसी को नहीं बताना है। ठीक है, ओके है मैम। ये 100 जीवन काल है या फिर मैम ये लिखा हुआ है 100 जीवन काल लिखा हुआ जैसे ब्रह्मा के वर्ष मतलब कि लंबा होता है ना, तो उस जीवन को मतलब कि उसकी आयु इतनी लंबी हो जाती है कि वो ब्रह्मा का जो जीवन है उसको उसके लिए आधे क्षण के समान हो जाता है, उसके लिए बहुत छोटा हो जाता है वो ब्रह्मा का जो जीवन। अब भाई समझ में आया मेरी आवाज कट रही है? मैम आपकी आवाज कट रही है, थी पहले कट रही थी जब आप ये बता रहे थे। मेरे मतलब कहने का है जैसे ब्रह्मा का जो जीवन है, जो हमारे जो देव हैं उनके जीवन क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, होते ही नहीं होते ऐसा बताया जाता है, हमने भी सुना है। तो उनको बोला कि जो खेचरी मुद्रा कर लेता है तो उनके लिए जो उतना लंबा ब्रह्मा जी का जीवन है वह उसके लिए आधे क्षण के समान हो जाता है जो खेचरी मुद्रा को करता है। इसमें जो भी चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई गई हैं, जो शिव संहिता है आपकी, इसमें जो भी चीजें आपको बताई गई है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के भी बताई गई हैं थोड़ी, तो इसका हमने ध्यान रखना है। तो ब्रह्मा के 100 जीवन को भी आधे क्षण के समान बताया गया है कि उसके आधे क्षण के समान हो जाता है खेचरी मुद्रा को करने से, ब्रह्मा के लंबा जीवन भी। ठीक है ना आधे क्षण बोले तो कितना, 1 घंटा 2 घंटा? आधा क्षण, क्षण मतलब पहले जो भी सेकंड्स वगैरह जो होते हैं उसमें आ जाएगा क्षण। क्षण मतलब क्या होता है हमारा, बहुत जो छोटी सबसे टाइम की जो सबसे छोटी होती है वो क्षण होता है ना, पलक का झपकना। ओके ओके हाँ उसको बोला गया है कि आधे क्षण से बराबर है। आधे क्षण के समान समझता है यहाँ पे बोल रहा है, हो नहीं जाता है, समान समझता है। ओके मैम थैंक यू।
नेक्स्ट है आपका जालंधर बंध, मूल बंध और विपरीत करनी मुद्रा। तो सबसे इसमें जालंधर बंध आया है, तो इसमें बोला है कंठस्थ शिराओं को बांध कर अर्थात कंठ को संकुचन कर ठोड़ी को वक्ष स्थल पर लगाना चाहिए। जो सभी उसमें टेक्निक बताई गई है वही है, जो हमारी कंठस्थ शिराओं मतलब कंठ में जितनी भी शिराएं हैं इनको बांध कर कंठ को संकुचित कर ठोड़ी को जो हमारी ठोड़ी है उसको वक्ष स्थल पर लगाना चाहिए। जीवों के नाभि स्थान में स्थित अग्नि सहस्त्र दल कमल में निसृत अमृत प्रवाह को पी लेता है, अतः उसे रोकने के लिए इस बंध को लगाना चाहिए। जो हमारा सोम मंडल है, सोम मंडल से क्या होता है हमारा अमृत का स्राव होता रहता है, तो यहाँ पर जो सूर्य मंडल है, सूर्य मंडल में यहाँ पर सहस्त्र दल कमल वाला बताया गया, हजार पत्तियों वाले कमल को वहां पे बताया गया, इसका ध्यान रखेंगे। जीवों के नाभि स्थान में स्थित अग्नि सहस्त्र दल कमल से निसृत जो है अमृत प्रभाव को पी लेता है, मगर मतलब कि अग्नि में जाने नहीं देता है। जब हम जालंधर बंध लगा लेंगे तो उसे रोकने के लिए इस बंध को लगाना चाहिए। जालंधर बंध के बारे स्वयं अपनी पान ही करता है तथा अमरता को प्राप्त कर लेता है। जब अमृत नीचे ही नहीं जाएगा तो उसकी आयु अपनी आप ही बढ़ जाती है, तो वह क्या कर लेता है अमरता को प्राप्त कर तीनों लोकों में आनंदित होता है। सिद्धिदायक जालंधर बंध सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगियों द्वारा नित्य अभ्यास किया जाता है, मतलब कि जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं वह जालंधर बंध का अभ्यास करते हैं। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन, सिद्धि की इच्छा रखने वाला योगियों को सिद्धि की इच्छा रखने वाला कौन सा बंध है, तो वो आ जाएगा आपका जालंधर बंध, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मूल बंध। पांव की एड़ी से गुदा मार्ग को अच्छी तरह दबाकर इस प्रकार सुनियंत्रित कर अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर क्रमशः ऊपर की ओर ले जाना चाहिए, मतलब जो अपान वायु है अपान वायु को ऊपर की ओर उठाना है। पांव को एड़ी से गुदा मार्ग पर रखने के लिए एनस पर रखने की बात की है, अच्छी तरह दबाकर सुनियंत्रित अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर क्रमशः ऊपर की ओर ले जाना है, अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना है। इसका लाभ क्या है, प्राण और अपान और प्राण की एकता होती है, दोनों मिल जाते हैं। जरा और मनन का नाश होता है, योनि मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, जो हमने अभी पहले योनि मुद्रा पढ़ी थी फर्स्ट में ही, वह अपने आप ही सिद्ध हो जाती है मूल बंध के करने से। वायु पे विजय होती है, वायु पे विजय का मतलब यहाँ पर बताया गया, पद्मासन में स्थित रहते हुए भी पृथ्वी तत्व का त्याग कर आकाश तत्व में चला जाता है, मतलब कि जैसे वह साधना कर रहा है, साधना करते करते पद्मासन में बैठा है और पद्मासन में करते करते वह आकाश तत्व में चल जाता है, मतलब कि ऊपर की ओर उठ जाता है जब वह मूल बंध का अभ्यास करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा में जमीन पर अपना सिर लगाकर दोनों पांव को अधर आकाश की ओर ले जाना ही, इसे ही विपरीत कहते हैं। यहाँ पर जमीन पर सिर लगाकर मतलब कि आपको उल्टा करना है, सिर आपका नीचे की ओर होना चाहिए और पांव आपके ऊपर की ओर होना चाहिए, पांव को अधर में आकाश की ओर ले जाना चाहिए, इसे ही विपरीत कृति कहते हैं। इसका लाभ क्या है, जो योगी इस मुद्रा का प्रतिदिन 3 घंटे तक अभ्यास करता है वह योगी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें समय बताया गया है कि 3 घंटे जो इसका अभ्यास करेगा वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। अमृत का पान करता है, अमृत का पान कैसे करता है, जब उसका जो अमृत है सोम मंडल से जब हम उल्टा कर लेंगे तो जो हमारा सूर्य मंडल में जो हमारा रस का स्राव होता है वह नहीं होगा और आपका जो अमृत है वह बचा रहेगा, तो वह अमृत का पान करता है। वह सभी लोगों का पूज्य बन जाता है जो विपरीत करनी मुद्रा करता है और सिद्ध जनों की समकक्षता को प्राप्त कर लेता है। जितने भी हमारे सिद्ध जन होते हैं जो योगी होते हैं उनकी समकक्षता को प्राप्त कर लेता है, उनके समान ही वह हो जाता है, उनके जैसा ही वह बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए जालंधर बंध, मूल बंध और विपरीत करनी मुद्रा। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम, ये विपरीत करनी मुद्रा को ही तो सर्वांगासन कहा जाता है। नहीं, सर्वांग में आपके सीधे स्ट्रेट पैर होते हैं, विपरीत करनी में थोड़ा सा टिल होते हैं, थोड़े से झुका हुआ। हाँ, तो इसमें ये नहीं बताया कि आपको कैसे करना है, इसमें बस ये बताया गया कि सिर को ऊपर और नहीं बताई गई, उसमें ये नहीं किया कि आपको इतने डिग्री तक पांव को नीचे या ऊपर ले जाना है।
और जितने और जो टैक्स है उसमें विपरीत करणी मुद्रा यही होता है कि आपका जो है चंद्रमंडल नीचे की ओर, सूर्यमंडल ऊपर की ओर आ जाता है, उसको विपरीत करणी मुद्रा बताया गया। तो आपका जब सिर नीचे आ जाएगा तो आपका जो सोममंडल है या चंद्रमंडल है वो नीचे की ओर आ जाता है, और जो आपका सूर्यमंडल होता है वह आकाश की ओर हो जाता है, तो इसलिए उसको विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ओके है, जी मैम। जी मैम, आगे करना चाहेंगे या ओवर मैम करेंगे? आज के लिए इतना ही, मैम इतना ही क्वेश्चन बोलते आंसर हैं। सब मैम, इसमें थोड़ा सा और एक बता दीजिए, जैसे चंद्रमंडल और सूर्यमंडल, तो जैसे सिर को नीचे किए जमीन पे लगा हुआ है, तो ये तो चंद्रमंडल किसको बोलेंगे, और सूर्यमंडल जैसे पैर तो ऊपर गया सूर्य की तरफ, वो कंफ्यूजन है थोड़ा सा, चंद्रमंडल और सूर्यमंडल। हाँ चंद्रमंडल और सूर्यमंडल में कंफ्यूजन है आपको? क्योंकि इसमें तो लेफ्ट साइड से अगर सांस भरते हैं तो वो चंद्रमंडल है प्राणायाम नहीं नहीं के माध्यम से। हमारा जो हमारे शरीर में तीन मंडल होते हैं, एक होता है सोममंडल, एक होता है सूर्यमंडल, और नीचे होता है योनि मंडल। मूलाधार के आसपास जो होता है आपका योनि मंडल होता है। जो जो सोममंडल होता है हमारा, सोममंडल से क्या होता है, हमारा अमृत का स्राव होता रहता है। ठीक है, अगर वह अमृत का स्राव क्या होता है, सूर्यमंडल में जाकर दग्ध हो जाता है, जल जाता है, अगर हम सीधी पोजिशन में रहते हैं। अगर हम जैसे जलंधर बंद हमने लगाया, ऐसे जलंधर बंद लगाया तो वह रुक जाता है। उसमें यही बताया जाए कि हम अमृत का हमारा बचाव हो जाता है जब हम इस जलंधर बंद लगाते हैं, या जब हम जब विपरीत करणी मुद्रा करेंगे। विपरीत करणी मुद्रा में क्या हो जाएगा, हमारे जो पैर है वह ऊपर की ओर हो जाएंगे और जो हमारा सर है वह नीचे की ओर हो जाएगा। तो सुधा मंडल जो हमारा सोम रस है वो क्या होगा, नीचे ही रह जाएगा, वह फिर स्राव नहीं होगा। उल्टा तो स्राव नहीं हो सकता ना, तो क्या होगा, हमारा जो स्राव है वह बच जाएगा, जो हमारा सोम मंडल से जो स्राव हो रहा है वह बच जाएगा, जिससे वह सूर्य मंडल में दग्ध नहीं होगा, जलेगा नहीं, ये बताया गया उसमें विपरीत करणी मुद्रा में। ठीक है, अभी भी जी मैम, कंफ्यूजन है? समझ गया। हाँ नहीं, क्लियर हुआ। सिर तो ये इधर रहता है, वो पेट के पास नाभि के सामने सूर्य मंडल है, वो तो ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, और फिर वो थोड़ा उल्टी राइट साइड पोजीशन झुका में रहेगा आएगा तो। हाँ तो स्राव नहीं हाँ होगा, वो रुक जाएगा। जी मैम, तो जैसे और चंद्रमंडल बोले हैं क्या, उसमें चंद्रमंडल तो नीचे हो गया ना। सुधामंडल, सोममंडल, चंद्रमंडल कहते हैं, सब तीनों नाम एक ही है। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए अब मैं क्वेश्चन आंसरिंग कर लेती हूँ। अब बताएंगे फोर्थ पटल में किस चीज का वर्णन है? पहले मैसेज टाइप करेंगे, मुद्रा का। मुद्राओं का ठीक, टोटल कितनी मुद्रा बताई गई है? 10 मुद्राएं। टाइप करें सभी, पहले टाइप करेंगे उसके बाद बताएंगे, जिससे मैं पूछूं फिर वो बताएंगे। 10+1 बोलेंगे। ठीक है, योनि मुद्रा का स्थान क्या बताया गया है? मूलाधार। ठीक है, मूलाधार में क्या है? कामपीठ है। कामपीठ कैसा है? ज्योतिमय स्वरूप है, करोड़ों सूर्य के समान और करोड़ों चंद्रमाओं के समान बताया गया है। ठीक है,
आवाज नहीं आ रही, मुझे बस नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रही है ओके मैम, एग्जिट हो गई शायद। हाँ, ओ आवाज अच्छा, नहीं आ रही है सभी को, सभी को नया आवाज नहीं आ रहा है। मैम आप म्यूट हैं। चलिए, मैं किसी ने बताया, मैं कनेक्ट डिसकनेक्ट हो गया था मेरा। यस मैम। चलिए बताएंगे, 10 मुद्राएं, कौन कौन सी 10 मुद्राएं थी? कोई भी बता दे। महामुद्रा, महामुद्रा, महाबंध, महावेधश्च खिचड़ी, हम्म, फिर विपरीत नहीं, जलंधर, जलंधर बंध, मूल बंध, और विपरीत करनी, और शक्तिचालिनी है, और कितने हो गए पता नहीं, उद्यान और वज्रौली। उद्यान बजोली। उद्यान और वज्रौली सीक्वेंस भी ध्यान रखेंगे। शक्ति चालनी सबसे लास्ट मुद्रा है आपकी, ठीक है? ओके अब मुझे बताएंगे महामुद्रा की टेक्निक कौन सी है, महामुद्रा कैसे किया जाता है? कोई भी माइक ओपन करके बताएं। मैम, एक पैर को मोड़ करके योनि के पास लगाना है और दूसरे पैर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों से टोज को पकड़ना है और आंखें बंद करना है। अच्छा, नव द्वार हाँ, बंद करने हैं। नव द्वार को बंद नौ, करके ध्यान, मन को सुषुम्ना पे ध्यान लगाना है। क्या कुछ ऐसा था? मन को चित्त को स्थिर करना है। सुषुम्ना माया, सुषुम्ना के यस, हमारे ऊपर द्वारा। ध्यान देना है। यस ठीक है, चलिए अब इसके लाभ बता देंगे। दामिनी साहू जी इसके लाभ बताएं। प्रियंका जी कह रहे हैं सर्वनाड़ी संचालन। दामिनी साहू जी, आपको पता है या नहीं पता है? नहीं मैं ही पता हूँ। पता है, चलिए ध्यान रखिए, याद करिए, पापों का नाश होता है। और महेश जी कह रहे हैं बिंदु धारक है और नाड़ी चालक। बहुत सारे फल हैं, इसमें एक वर्ड और यूज हुआ है जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, वो कौन सा वर्ड है? कामदूधा, कामदूधा वर्ड का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना? इसका राम रखेंगे। ये दोनों अलग अलग है। कामधेनु, एक जो मेरे पास दूसरी बुक है शिव संहिता की, उसमें कामधेनु लिखा हुआ है, मगर जो हमारी शिव संहिता है उसमें कामदूधा लिखा हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। काम दूधा वर्ड हुआ है। महाबंध, महाबंध किस तरीके से किया जाता है? जो हमने महामुद्रा लगाई उसमें दूसरे पैर को भी अपोजिट थाई के ऊपर रखेंगे और अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर समान वायु से मिलाएंगे और प्राण को अधोमुखी करेंगे। तो प्राण और अपान जब सुषुम्ना में गति करेंगे तो ऊपर की ओर जो है फिर वो बंद लगाएंगे। चलिए, चिंकी भारती जी का भी आ गया है मैसेज। हम इसके लाभ बता देंगे, क्या क्या लाभ है? मेन लाभ बता देंगे क्या होता है। बंद लगने से क्या है?
ग्रंथि का भेदन होता है और महाबंध। ग्रंथि का भेदन तो नहीं दिया गया इसमें, इसमें है आपका जो रस प्रभावित होते हैं वे मूर्धा की तरफ नहीं जाते, मूर्धा की तरफ नहीं जाते, वे मथनियां मजबूत होती है। किसको बताएगा? महावीर के बारे में बताएं, महावीर की स्थिति है। अभिष्ट स्थिति प्राप्त करते हैं। महावीर की टेक्निक कोई भी माइक ओपन करके बताएं। मैम जब महामुद्रा पे होते हैं तो दोनों हाथों को जमीन पर रख करके और अपने नितंबों को बार बार जमीन पर पटकते हैं, ऐसा उठा के पटक। ये महावीर, चलिए इसमें आपका ग्रंथि का भेदन है महावीर मुद्रा में, ठीक है। कौन सी ग्रंथि का भेदन करने के लिए कहा गया है? कौन सी ग्रंथ? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ है। चलिए ठीक है। और चक्रों के क्या चीज आपने लग जाती है महावेद के अभ्यास से? चक्रों एक देवगण एक आपने लग जाते हैं ना। खेचरी मुद्रा को कौन से आसन में बैठकर करना चाहिए? खेचरी मुद्रा में वज्रासन, वज्रासन में। वज्रासन में करने के लिए कौन से अभ्यास को 3 घंटे तक करना चाहिए? मृत्यु भी मैम फिर से आवाज नहीं आ रही। आज वॉइस का आप बोल रहे हैं, चलिए क्लास ओवर कर देते हैं। बार बार नेटवर्क का आपका, कल जितने रह गए कल मैं पूरा क्वेश्चन देख लेंगे, तभी अपना कमर गर्दन सीधा कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढकें और आ जाएं वापस।